हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सारे के सारे। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे पूरी दुनिया में जिधर भी होंगे। और आई एम सॉरी, मैं 2-3 दिन से वीडियो नहीं डाल पाया था क्योंकि बहुत बिजी था। और अभी भी बस मैं, आज मेरा छुट्टी था तो मैं अभी कपड़े वॉश कर रहा था, वॉशिंग मशीन में डाल के आ गया। ठीक है, तो वॉश कर देगा। और मैं सोचा चलो इतने एक वीडियो बना लेता हूँ, इतने मेरे कपड़े वॉश हो जाएंगे और वीडियो ब्रेडियो। चलो आज का टॉपिक है मेरा, अपना जो लाइसेंस होता है वो कैसे रिन्यूअल करना है, मतलब शुरू से लेके एंड तक मैं बताता हूँ, क्योंकि उस दिन क्या आप ताब लोगों को समझ आया नहीं आया मालूम नहीं। तो चलो चलो भाई, सबसे पहले तो मैं बताता हूँ। देखो, आप ये रिन्यूअल कैसे कर सकते हैं अपना लाइसेंस, मतलब क्या होता है। पहले जो दुबई का लाइसेंस था ये 10 ईयर्स का बनता था। ठीक है, मैसेज भी आने स्टार्ट हो गए। तो 10 ईयर्स का बनता था और उसके बाद पाँच ईयर का किया, यानी तो फाइव ईयर का किया, 5 साल का किया, और अभी 1 साल 2 साल का भी देते हैं। चलो अभी आगे रिन्यूअल की बात, मतलब रिन्यूअल के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगने हैं और क्या क्या आपको लेके जाने हैं। सबसे मेन इम्पोर्टेंट ये होता है, क्योंकि आप जब लाइसेंस आपका रिन्यूअल होता है, मतलब जब आपका एक्सपायर होता है, एक्सपायर मतलब ख़त्म, एक डेट होती है, मतलब जैसे 5 साल की होगी 5 साल खत्म हो गया, 10 साल का होगा 10 साल खत्म हो गया, मतलब ख़त्म होने से पहले जैसे एक दिन हो गया एक्सपायर हो गया, तो उसके बाद आप लोगों का चार्जेस मतलब फ़ाइन कि आपने उससे पहले रिन्यूअल नहीं करा। तो सबसे पहले तो बात यह है, अगर जो आपका आपकी डेट जो जैसे कोई भी आपकी डेट है एक्सपायर डेट, तो आप उससे 1-2 दिन पहले बनवा सकते हैं, तो आपको फ़ाइन नहीं, उस दिन भी बनवा सकते हैं तो फ़ाइन नहीं लगेगा। ठीक है, तो आपके पास डॉक्यूमेंट क्या क्या होने चाहिए। जैसे मैं इधर पूछा था, मतलब दूसरे से मैं इंफॉर्मेशन लिया था, क्योंकि जो पुराने हैं इधर मेरे को पता नहीं था, तो आई टेस्ट बोल देते। ठीक है, आँखों का एक इधर TRA, ठीक है ना, मतलब TRA जो गवर्नमेंट अथॉरिटी प्रोवाइड करती है, जिनको उनके पास मतलब जो चश्मे वाले होते हैं ना, कुछ को लाइसेंस दे के रखते हैं, मतलब वो ऑनलाइन कर देते हैं, मतलब आप अपनी आंखों का जो चेकअप होता है वो कर देते हैं। उसकी फीस डिफरेंट एरिया में डिफरेंट होती है, कहीं 120 दरम होती है, कहीं 150 तक लेते हैं, कहीं कहीं 180 तक ले लेते हैं दरम तक। ठीक है, और तो ना मेरा आई टेस्ट हुआ, कोई मेरा आई टेस्ट नहीं हुआ, क्योंकि अब मैं पुरानी वीडियो, क्योंकि पुराने टाइम में मीन्स 3-4 साल पहले, दो साल पहले, क्योंकि मैं भी दूसरों का वीडियो देखता था, मैं भी सर्च किया यूट्यूब पे, जब मैं दूसरों से इन्फॉर्मेशन अच्छी नहीं मिला तो मैं भी देखा कुछ यूट्यूबर को, बट या तो उस टाइम पे उन लोगों को मैं ये नहीं बोल सकता कि भाई उनकी इन्फॉर्मेशन रॉन्ग होगी, बट शायद उस टाइम पे रिन्यूअल की जो एक कराने का, रिन्यूअल का एक जो स्टेप होते थे, ठीक है, मतलब कैसे कैसे आप लोग उनको कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट ये रिक्वायर्ड है। अभी बस ओनली मेरा इमरेस आईडी, ठीक है, और मेरा पुराना लाइसेंस। ठीक है, आपको कुछ ज़्यादा ले जाने की ज़रूरत नहीं है, पासपोर्ट ये वो, पासपोर्ट की कॉपी, वीजा कॉपी, कुछ भी ले जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपके पास अपनी इमरेस आईडी जो दुबई गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, मतलब जिस कंपनी में, अभी आप बोलेंगे ये क्या होता है, देखो दुबई गवर्नमेंट में, सॉरी, जब दुबई में आप आते हैं, ठीक है, उसके बाद आपकी कंपनी आपको वीज़ा प्रोवाइड करते हैं, मतलब आपका वीज़ा लगाते हैं, उसके बाद एक इमरेस आईडी आती है जिसको आईडी बोलते हैं इधर, ठीक है, तो वही चलती है। ठीक है ना, जैसे अपनी तरफ अभी आधार कार्ड हो गया ना, उसमें सभी लिंक है, पैन कार्ड ये वो, पासपोर्ट सब चीज़ उसमें ऐड होते हैं। ठीक है, सेम ऐसे ही इधर की इमरेस आईडी है, उसमें हमारा पासपोर्ट वगैरह सब चीज़ उसमें ऐड है। जैसे हमारी इमरेस आईडी को नंबर डालते हैं तो उसमें हमारा पूरा बायोडाटा आ जाता है। उसके बाद हम लोगों ने रिन्यूअल करना है अपना लाइसेंस, तो जो पुराना आपका लाइसेंस है, सॉरी, जो आपका पुराना लाइसेंस है ना, उसमें आपके लाइसेंस नंबर होता है जो मेन इंपॉर्टेंट होता है, जो उधर मशीन में डालना होता है, ओनली 2 मिनट का वो काम होता है। उधर आपके डेट ऑफ बर्थ मांगते हो, लाइसेंस नंबर, बाकी कुछ भी नहीं मांगते, नहीं नहीं बाकी पैसा मांगते हैं ना, ठीक है, मतलब 3 चीज़ मांगते हैं। ठीक है, नंबर 1 पे मांगता है आपका लाइसेंस नंबर, नंबर 2 पे मांगता है आपकी डेट ऑफ बर्थ, नंबर 3 पे मांगता है पैसा। ठीक है, बिना पैसे के तो किधर भी नहीं होगा, तो बस यही था, और छोटा सा वीडियो रहेगा ये। अगर जो
कुछ और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस टॉपिक में, क्योंकि बहुत सारे दुबई के जो लड़के थे उन लोगों ने कमेंट किया कि भाई कैसे होता है, कुछ दोबारा एक वीडियो बनाए, तो कोई बात नहीं भाई, देखो दोबारा मैं सुनना। आपके पास कोई पासपोर्ट कॉपी, कोई वीज़ा कॉपी, कुछ भी आपके को ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपके पास आपका पुराना लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। आपके पास आपका इमरेस आईडी होना चाहिए, जो दुबई दुबई का जो दुबई में उनको मालूम ही होगा, ठीक है। आपके पास पैसा होना चाहिए, मीन्स जो आपको पे करना है, ठीक है। तो पे उसमें 240 के करीबन होगा शायद, मैं चेक नहीं किया कितना है, ठीक है, क्योंकि मैं स्लिप भी वो साइड में रख दिया, मालूम नहीं किधर गया। तो ये समझो आपके पास पैसा होना चाहिए, मैं दूसरे वीडियो में बता दूँ कितना पैसा था। आपके पास पैसा होना चाहिए नंबर दो पे, आपके पास इमरेस आईडी होनी चाहिए नंबर दो पे, आपके पास दुबई का जो पुराना लाइसेंस है वो होना चाहिए, आपको अपने डेट ऑफ बर्थ भी मालूम होना चाहिए, बाकी कुछ भी चाहे कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है। सीधा सा सिंपल सा तरीका है, पैसा, इमरेस आईडी और पुराना लाइसेंस, सीधा मशीन में जाओ। अगर जो आप अनएजुकेटेड हो, नो प्रॉब्लम, आपको हेल्प करने वाले उधर मिलेंगे। मैंने भी हेल्प किया, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम गया था, मेरे को पता नहीं, उसमें चार पांच मशीन लगी हुई थी, यही पता नहीं कि ये मशीन में है कौन सी लाइसेंस वाली। तो किधर भी जाओ, किधर भी आरटी ऑफिस में जाओ, तो आपको उधर से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और आपका लाइसेंस मिल जाएगा। जो मशीन में कुछ बंदा एजुकेटेड है तो मशीन में जाओ भाई, सीधा दो मिनट लगता है, तीसरे मिनट में आप बाहर निकल जाओगे, ठीक है। तो ओके भाई, आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, छोटा सा तो काफ़ी वीडियो में ये नहीं बोल रहा था, प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, लेकिन भाई आप लोगों ने अभी करना है लाइक सब्सक्राइब शेयर, जो भी आप करना है, और बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हो आप लोग, थैंक यू सो मच। और मेरे कपड़े भी धुल गए होंगे, ठीक है। तो ओके, बाय बाय, अपना ध्यान रखो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो, गुड बाय।